सवाल नंबर 11, ऊँटों के देवता के रूप में कौन से देव लोकप्रिय हैं? 1 तेजाजी, 2 बाबूजी, 3 हड़बूजी, 4 मिहाजी। सही उत्तर 2 बाबूजी। सवाल नंबर 12, चार हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है? 1 वीर तेजाजी, 2 वीर फताजी, 3 वीर कल्लाजी, 4 वीर झुंझारजी। सही उत्तर 3 वीर कल्लाजी। सवाल नंबर 13 है, भूमि के देवता के रूप में कौन लोकप्रिय हैं? 1 भूरिया बाबा, 2 भूमिया जी, 3 देव बाबा, 4 बग्गा जी। सही उत्तर 2 भूमिया जी। सवाल नंबर 14, राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? 1 गोगाजी, 2 तेजाजी, 3 बाबूजी, 3 केसरिया को। सही उत्तर 3 बाबूजी। सवाल नंबर 15, प्रसिद्ध कैला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? 1 सवाई माधोपुर, 2 धौलपुर, 3 करौली, 3 हिंडौन। सही उत्तर 3 करौली। सवाल नंबर 16, जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते थे? 1 करणी माता, 2 नागनेची माता, 3 स्वागिया माता, 3 अन्नपूर्णा माता। सही उत्तर 3 स्वागिया माता। सवाल नंबर 17, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा कहावत में जिस संत का संबोधन है, वे किस जिले में जन्मे? 1 अजमेर, 2 जैसलमेर, 3 चुरू, 3 नागौर। सही उत्तर 3 चुरू। सवाल नंबर 18, किस लोक देवता को जाहर पीर के नाम से भी पूजा जाता है? 1 तेजा जी, 2 गोगा जी, 3 कल्ला जी, 4 केसरिया कंवर जी। सही उत्तर 2 गोगा जी। सवाल नंबर 19, किस लोक देवता की शरण लेने पर सर्प दंशित व्यक्ति पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता? 1 रामदेव जी, 2 बग्गा जी, 3 वीर तेजा जी, 4 बाबूजी। सही उत्तर 3 वीर तेजा जी। सवाल नंबर 20, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा में अविश्वास प्रकट करने व जाति प्रथा का घोर विरोध करने वाले लोकदेव हैं? 1 रामदेव जी, 2 झुंझार जी, 3 हरबू जी, 4 देव नारायण जी। सही उत्तर 1 रामदेव जी।